हाय गाइस, मेरा नाम है प्रत्युष और मैक्सी स्कूटर कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंडिया में बहुत कम गिनी चुनी बाइक्स आती है। BMW की एक आती है और आपके पास ये यामाहा की एरोक्स आती है। 155cc में ये सेगमेंट है। पहले सबसे मुद्दे की बात, मैं आपको प्राइस ही बता देता हूँ इसका। इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट पड़ जाता है 1,70,000 रुपये ऑन रोड गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ। और दो वेरियंट्स में आता है, ये स्टैंडर्ड वेरियंट है और फॉर द MotoGP फैंस ये आपके और एक वेरिएंट आपको मिल जाता है, मॉन्स्टर एनर्जी MotoGP एडिशन। 1,000 रुपये ज़्यादा है, सो बजट अगर आपका ठीक है 1,000 रुपये आप एडजस्ट कर पाएंगे और MotoGP फैन है तो आप ज़रूर इसे ले सकते हैं। ये पार्ट जो है ना, यही डिफरेंस होता है मैक्सी स्कूटर्स में। इनमें फुट एरिया ज़्यादा नहीं होता, फ्यूल टैंक आपको वहाँ पर प्लेस्ड हो जाता है। कि कुछ ऐसे हेडलाइट्स यहाँ पर मिलते हैं, फुल LED सेटअप है, LED आपको DRLs मिल जाते हैं, ये सब आपको LEDs ही मिलते हैं। दे लुक रियली वेरी गुड। फ्रंट से लुक आप देख ही सकते हैं, काफ़ी आपको एक अच्छी लुक मिल जाती है यहाँ पे। एरोक्स की आपको यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाएगी, काफ़ी कलर ऑफ पेंट का आपको कॉम्बिनेशन दिख जाएगा यहाँ पे। छोटा सा एक वाइजर भी आपको विजिबल होता है यहाँ पे। ये सब पार्ट आप देख सकते हैं, मैट कार्बन फाइबर फिनिश के साथ है। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे फाइबर का ही मिलता है बट वाइट कलर का है। टायर्स आपको ऑरेंज कलर के दिखेंगे, ये वाला पार्ट कुछ अलग कलर का है। तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, कलरफुल काफ़ी आपको लगेगी ये बाइक। आप देख सकते हैं वो नीचे आपको वहाँ पे इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट मिल जाता है, सो काफ़ी अच्छे से डिजाइंड आपको लगेगा ये। और टायर्स की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ के आपको यहाँ पे टायर्स मिल जाते हैं। 230mm के आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाते हैं और पीछे आपको 130mm के ड्रम्स मिल जाएंगे। और इनकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, 110x80x40 14 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स मिलते हैं, सो दे आर वेरी ह्यूज एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूटर्स। होना भी चाहिए क्योंकि पावर वो सब काफ़ी ज़्यादा है और आपको कॉम्बी ब्रेकिंग वो सब तो मिल ही जाती है आपके पास। और ABS भी है इसमें, एक्चुअली सिंगल चैनल ABS आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सारे आपको वेंट्स देख सकते हैं आप हीट डिसिपेशन के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 145mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। और लिक्विड कूल्ड है ये बाइक स्कूटर, सो आपको यहाँ पे लिक्विड कूल्ड का भी आपको बैजिंग मिल जाता है। यामा आपको यहाँ पे यामा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे छोटा सा आपको पैर रखने के लिए जगह मिल जाती है। पिलियन के लिए एल्यूमिनियम के फुट रेस्ट है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का है, बॉडी कलर कुछ अलग है। तो डुअल टोन ट्रीटमेंट है, 155cc की है, सो यहाँ पे आपको उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। मफलर्स आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े शेप के आपको मफलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फैन वो सब है और ये आपको बाइक जैसा लगेगा। ये सस्पेंशन आप देख सकते हैं, वो मोनोशॉक वो सब नहीं है, कॉयल सिस्टम है, आपको दो दो साइड में मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे है। 14 इंच के टायर्स तो है ही बट 170 सेक्शन के हैं, सो दे आर वेरी गुड। काफ़ी बड़े आपको ऑरेंज कलर की यहाँ पे आपको ऐसे व्हील्स मिल जाते हैं। रेडियल पैटर्न के टायर्स है, सो आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर देंगे। सो आपको कुछ ऐसा लुक मिलता है पीछे से। ये सब आपको यहाँ पे LEDs मिलते हैं। ये आप साइड के जो इंडिकेटर्स है ये आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं LED, बट इनबिल्ट आपको यहाँ पे हेलोजन ही मिलता है। ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है, ये इनबिल्ट LED आना चाहिए था बट वो नहीं है। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मेन मुद्दे की बात है ये, इसका जो इंजन है ये आपको मिलता है 155cc का 4 वेल्व है। ये SOHC यूनिट है VVA के साथ, वेरिएबल वेल्व एक्चुएटर जिसे कहा जाता है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। पावर और टॉर्क तो आप सुन के हैरानी हो जाएंगे, 15 PSI पावर और 13.9 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। सबको काफ़ी अच्छी पावर टॉर्क मिल जाएगी यहाँ पे। अब R15 उनसे कंपेयर कर सकते हैं, उतनी आपको पावर यहाँ पे भी मिल जाती है। सो आप सोच ही सकते हैं काफ़ी आपको अच्छी पावरफुल यहाँ पे मिल जाएगी। वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन जो है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दो आपको सिर्फ इनटेक के कैम्स मिलते हैं, एक लो रेवरेंस के लिए और एक हाई रेवरेंस के लिए। उससे आपको काफ़ी अच्छी आपको RPM वो बैंड मिल जाता है, उसमें स्मूथ काफ़ी शिफ्ट्स होती है, जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होता है स्कूटर्स में, उसमें वही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सीट्स की बात करें, आपको ऐसे सिंगल PC सीट मिलती है बट आपको यहाँ पे 2 स्टेप मिलता है एक, सो आपके लिए अच्छी बैक रेस्ट मिल जाएगी आपको राइडर के लिए। पिलियन के लिए थोड़ा छोटा है बट या काम चल जाएगा आपके लिए। साइड स्टैंड कट ऑफ वो सब तो मिलता ही है। अंडर सीट स्टोरेज आप यहाँ से खोल सकते हैं। 24.5 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाता है। फुल फेस हेलमेट तो इजीली आ जाएगा सर, काफ़ी बड़ी आपको स्पेस मिल जाती है क्योंकि फ्यूल टैंक वो यहाँ पे नहीं होता, वो सेंटर में होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है यहाँ पे।
छोटे दो दो हेलमेट भी आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा बैग भी आ जाएगा आपके पास। और ये सब तो सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। स्टोरेज स्पेस की बात करें, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। इसमें आपको खरीद के एक USB लगाना होगा। आई विश यहाँ पे USB होता, बट यहाँ पे आपको फ़ोन के लिए भी स्पेस मिल जाता है, छोटे मोटे कुछ आप फ़ोन रख पाएंगे यहाँ पे। ये आपको ऐसे बंद होता है, विच इज़ ओके। यामा वाई कनेक्ट वो सब के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो स्पेस है ना, आपको बीच बीच में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगा। पैर आप साइड में रखेंगे और बीच में फ्यूल टैंक आपका रहता है। फ्यूल टैंक खोलने के लिए भी यहाँ पे आपको बटन मिलता है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप है, सो या अब इजीली यहाँ पे फ्यूल भरा के चल सकते हैं। इसमें 5.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, बट इसकी रेंज आपको शायद उतनी ना मिले जैसे नॉर्मल 125 cc स्कूटर्स में होता है, क्योंकि इंजन काफ़ी बड़ा है इसका। सो या वो आपको देखना होगा। और मल्टी की फंक्शनैलिटी वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे ऐसे ओपन करके रखेंगे, फ्यूल लिड और सीट के लिए अलग अलग बटन है, विच इज़ वेरी गुड, ये होना चाहिए था। हैंडल बार की बात करें, सो ORVM का शेप अच्छा है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। और जो आप देख सकते हैं लीवर्स, आपको यहाँ पे मेटल के लीवर्स मिलते हैं, दे फील रियली गुड। ये सब काफ़ी फील फीडबैक बहुत अच्छा है इनका। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आपको मिल जाता है, हर स्कूटर में आजकल आने लगा है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम आप कर सकते हैं, इंडिकेटर्स के लिए बटन है। यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट है। यहाँ से आप मेन्यूज़ को चेंज कर पाएंगे, इसका जो मेन्यू आता है वो देख लेंगे अभी। और यहाँ से इंजन स्विच स्टार्ट करना होगा, साइलेंस स्टार्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ब्रेक दबा के करना होगा, सो आपको ऐसे साइलेंस स्टार्ट मिल जाता है। रेव करके सुना देता हूँ। सो ये आपको काफ़ी रिफाइंड एक इंजन यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं ऐसे स्वाइप अप होता है फुल इसका सिस्टम। डिस्प्ले की बात करें, आपको नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिल जाता है। स्पीडोमीटर आपको डिजिटली डिस्प्ले होता है। टैकोमीटर आपको दोनों साइड में सेम चीज़ डिस्प्ले होता है, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। फ्यूल लेवल आपको यहाँ पे, हैजर्ड लाइट आपको नीचे, ये सब डिस्प्ले होता है। टाइम है यहाँ पे, इस बटन से आपको चेंज करना होगा। देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप एफ, ये सब आपको मिल जाता है। फ्यूल इकोनॉमी कितनी मिल रही है आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है। बैटरी वोल्टेज आपको डिस्प्ले होता है, तो ये सब तो ठीक ही है। ओडो ये सब है ही, डिस्टेंस टू MT वो सब भी आपको मिल जाएगा। सो जो जो फीचर्स होने चाहिए थे वो आपको मिल जाते हैं। ऑयल चेंज करने के लिए आपको वार्निंग्स भी मिल जाती है, कब सर्विस करानी है आपको वो सब। सो ये सब सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे आपको यामाहा की वाई कनेक्ट भी मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं। वो जियो फेंसिंग करना हो, सर्विस रिमाइंडर्स हो, फ्यूल लेवल कितना है बाइक में, बैटरी वोल्टेज कितनी है, वो सब आपको उस एप्स के द्वारा डिस्प्ले हो जाएगा। आपको पता ही होगा बाइक अगर कहीं पे गिर गई होगी तो उसके लिए आपको वार्निंग्स आ जाते हैं आपके पास फ़ोन पे। सेगमेंट एक काफ़ी अलग है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। BMW की जो आती है 310 GT या कुछ, वो तो 3.5 लाख के ऊपर चली जाती है, या उससे भी ज़्यादा है शायद, मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं है। बट इसका प्राइस पॉइंट आपको काफ़ी एक अट्रैक्टिव लग सकता है, अगर आपको स्कूटर पसंद है इस सेगमेंट में भी, 155 cc सेगमेंट में भी। या वरना लोग तो ज़्यादातर आजकल बाइक्स पे ही चले जाते हैं, बट अगर आप स्कूटर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस होता है आपके लिए, तो आप इस सेगमेंट को भी देख सकते हैं। पावर वो सब अच्छा है, स्टोरेज वो सब भी आपको अच्छा मिल जाता है। काफ़ी लाइट वेट बाइक है, सिर्फ 130 kg है फ्यूल और ऑयल वो सब लेके। सीट हाइट भी ठीक है बाइक जैसी है, 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है आपको। पिलियन के लिए उतना शायद कंफर्टेबल ना हो, बट राइडर के लिए बैक सपोर्ट वो सब काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल जाएगा। और जो जो ज़रूरत के फीचर्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखना हो तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो MotoGP एडिशन आता है, एक दो यहाँ पे आपको मॉन्स्टर एनर्जी के वो ब्रांडिंग मिल जाती है। 1000 रुपये ज़्यादा देने से आपको बस ये स्टिकरिंग ही मिलती है। और सिंगल कलर टोन है ये वाला, और यहाँ पे आपको ऐसे ब्लू कलर के मिल जाते हैं, बाकी सब सेम है, सब सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे एक दो आपको ऐसे स्टिकरिंग अलग मिल जाती है, बस वही है। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।